subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. Namaste. Dilip Mandal ki paathshala mein aapka swagat hai. Aaj hum baat kar rahe hain ek aise vyakti ki jo achanak se bhartiya rajneeti mein jiski bahut sari charcha hone lagi hai. Us vyakti ka naam Jogendra Nath Mandal hai. देखिए जोगेंद्र नाथ मंडल एक बहुत दिलचस्प करेक्टर है भारतीय राजनीति का, बहुत चमकता हुआ एक समय का सितारा, फिर एक बहुत ट्रेजिक घटनाएं होती हैं और एक ट्रेजिक अंत उनके साथ होता है. और ये चर्चा में इस वजह से हैं क्योंकि इस समय खास करके बीजेपी और आरएसएस लगातार उस व्यक्ति का नाम अब उनकी जुबान में, उनके नेताओं की जुबान में आपको लगातार सुनाई देगा. जैसे मैं आपको कुछ नेताओं के बयान के बारे में बताता हूँ, जैसे सीएए को डिफेंड करने के लिए बीजेपी ने अपने बहुत सारे नेताओं की एक लिस्ट बनाई और उन नेताओं में से छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह हैं, जो उन्होंने एक मीटिंग में उन्होंने कहा कि जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ पाकिस्तान में जो हुआ उसकी वजह से भारत के दलितों को सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि उनको वहाँ पर दलित होने की वजह से, हिंदू होने की वजह से बहुत सारा अत्याचार झेलना पड़ा. और पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद, भारत में पाकिस्तान के पहले लॉ मिनिस्टर होने के बावजूद उनको भारत में आकर एक रिफ्यूजी की मौत उनको नसीब हुई. केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी ये कुछ दिनों पहले कहा कि जोगेंद्र नारायण मंडल जो पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर थे उनको पाकिस्तान से खदेड़ दिया गया और उनको भारत में आकर ही बाद में शरण लेनी पड़ी. तो वो भी ये बताने की कोशिश कर रही हैं कि दलितों के साथ और हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में किस तरह का व्यवहार होता है. इसके अलावा भी हाल में ही बीजेपी के इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी विंग के जो अध्यक्ष हैं अमित मालवीय, उन्होंने ट्वीट करके ये बोला है कि दलितों की पाकिस्तान में क्या स्थिति है इसको समझने के लिए जोगेंद्र नाथ मंडल का उदाहरण उन्होंने रखा है. तो लगातार बीजेपी के एक के बाद एक नेता जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम बार बार ले रहे हैं. प्रधानमंत्री भी पिछले साल एक बार ट्वीट कर चुके हैं कि किस तरह से जो कांग्रेस है उसने बाबा साहब जगजीवन राम और जोगेंद्र नाथ मंडल के साथ बुरा व्यवहार किया, इसको प्रधानमंत्री भी ट्वीट कर चुके हैं. एक और आरएसएस के बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी दत्तात्रेय होसबोले ने अभी, एक बीजेपी का थिंक टैंक है, उन्होंने एक पाकिस्तान वॉच नाम की पत्रिका लॉन्च की और उस समारोह में उन्होंने कहा द स्टोरी ऑफ जे एन मंडल क्लियरली शोज हाउ दलित्स वेयर ल्यूर्ड बाई द मुस्लिम लीग्स पॉलिटिक्स विच प्रूव डिजास्ट्रस फॉर देम. दे वर लेफ्ट विथ ओनली टू ऑप्शंस, आइदर गेट फोर्सिबली कन्वर्टेड और माइग्रेट टू इंडिया. मंडल्स रियलाइजेशन अबाउट हिज डेस्टिनी इज अ ग्रेट लेसन. वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग की राजनीति के जो शिकार हुए दलित उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार हुआ, उनके जीवन में सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो वो धर्मांतरण कर लें या फिर वो मारे जाएं या भारत चले आएं, इस तरह के ऑप्शन उनके पास था. और वो कह रहे हैं कि मंडल जो है जे एन मंडल, उनको इस बारे में जो उनका जो अनुभव है वो भारत के दलितों के लिए, वो नाम नहीं ले रहे हैं लेकिन उनके लिए ग्रेट लेसन है, बड़ा लेसन है. तो बीजेपी और आरएसएस जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम जो बार बार ले रही है, इससे बीजेपी और आरएसएस क्या हासिल करने की कोशिश कर रही है? तो मेरी हाइपोथेसिस है कि वो चार चीज़ें इस समय हासिल करने की बीजेपी और आरएसएस कोशिश कर रही है. पहला कि दलित मुस्लिम एकता जो है वो एक मिथक है, ये संभव नहीं है और ऐसा होने पर दलितों के साथ बुरा व्यवहार होगा, ये उनकी पहली हाइपोथेसिस है. दूसरी बात वो बीजेपी और आरएसएस इस समय साबित करने की कोशिश कर रही है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में हिंदुओं, जिसमें ज़्यादातर दलित हैं, ये बार बार प्रधानमंत्री और अमित शाह भी कह रहे हैं और वो भागकर जो भारत आ रहे हैं उसके लिए सीएए की ज़रूरत है. और सीएए ऐसे ही जो धार्मिक उत्पीड़न के शिकार लोग हैं उनको चूँकि नागरिकता देने का प्रावधान है, तो सीएए की ज़रूरत है हिंदुओं के लिए और उससे भी ज़्यादा दलितों के लिए, ये दूसरी बात वो कहने की कोशिश कर रहे हैं. इनका तीसरा लक्ष्य है, जब जोगेंद्र नाथ मंडल का नाम वो ले रहे हैं इसके पीछे ये है कि वो कहने की कोशिश कर रहे हैं भारतीय दलितों को कि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले दलितों का साथ देना चाहिए और इस वजह से आपको सीएए के पक्ष में खड़ा होना चाहिए. चौथी बात जो बीजेपी कहने की कोशिश कर रही है वो ये कि
ये जरूर है कि भारत के ज़्यादातर प्रमुख दलित नेता, जिसमें आप बहन जी चंद्रशेखर आज़ाद, उदित राज, प्रकाश अम्बेडकर, वामन मेश्राम या आपको जिग्नेश मेवानी, ये सारे दलित नेता सीए के खिलाफ हैं। लेकिन दलितों को उनके झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि जो दलितों के हित की बात बीजेपी कर रही है, और वो दलित चाहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का ही क्यों ना हो। तो ये एक तरह से बीजेपी इन चार चीज़ों की कोशिश कहने की कोशिश कर रही है। लेकिन बीजेपी जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में जो कह रही है, क्या वो सच है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो झूठ कह रही है? या एक तीसरी संभावना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इतिहास से वो अपने पसंद के कुछ टुकड़े चेरी पिकिंग कर रही है, वो सेलेक्टिव रीडिंग कर रही है और उसके आधार पर अपनी हाइपोथेसिस को साबित करने की कोशिश कर रही है। ये रिसर्च में अक्सर होता है कि आप एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, आप अपने ढंग से उसके लिए डाटा कलेक्शन करते हैं, कहते हैं कि आप एम्पेरिकल डाटा है, लेकिन आप उसको वो एक सब्जेक्टिविटी उसमें लाते हैं, उसमें पक्षपात करते हैं और उनमें से डाटा को सेलेक्ट करके अपने हाइपोथेसिस को प्रूव कर लेते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी जो है वो सिलेक्टिव रीडिंग कर रही है, सिलेक्टिव तरीके से तथ्यों को रख रही है, चेरी पिकिंग कर रही है? मेरा अपना एसर्शन है कि बीजेपी इस मामले में सेलेक्टिव रीडिंग कर रही है जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में। देखिए, जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में बहुत सारे तथ्य लोगों को पता है, मैं उनको लिस्ट अगर करूं तो उसकी शायद बहुत ज़रूरत नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे एक दो छोटी छोटी बातें मैं उनको एक अपने नोट से आपको बता देता हूं। कुछ तो मैंने लिख भी रखा है कि वो जो बांग्लादेश है, जिसको उस समय पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, वहाँ उनका जन्म हुआ 1904 में, बाबा साहब के जन्म के तुरंत बाद। फिर वो वहाँ के दलित परिवार में उनका जन्म हुआ, नामशूद्र परिवार में, जो पहले चांडाल जाति कही जाती थी। फिर वो अच्छी शिक्षा हासिल करते हैं, लॉयर बनते हैं, कलकत्ता के प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो अपने जिले, गृह जिले जाकर, बरिशाल जाकर प्रैक्टिस करते हैं। बाद में वो राजनीति में उतरते हैं, बंगाल विधानसभा में 1937 में चुने जाते हैं। इसके बाद वो मुस्लिम लीग के साथ मिलकर वहाँ जब सरकारें वगैरह बनती हैं, उस सरकार में वो मंत्री रहते हैं और लगातार उनका राजनीतिक कद बढ़ता जाता है। और वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो बाबा साहब अम्बेडकर बनाते हैं, उसमें उससे भी जुड़ते हैं और बाबा साहब के एक तरह से शिष्य की तरह रहते हैं। और इनका जो एक सबसे महत्वपूर्ण किरदार है वो 1946 में आता है। दो चीज़ें उस 1946 में उनके साथ होती हैं। 1946 में भारत में एक अंतरिम सरकार बनती है, जो पूरे यूनाइटेड भारत की, एक अंग्रेज़ों के समय में ही एक यूनाइटेड सरकार बनती है, और उसमें जोगेंद्रनाथ मंडल जो हैं वो मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर वो उनको नॉमिनेट किया जाता है। तो यूनाइटेड भारत की जो पहली सरकार बनती है, उसमें लॉ मिनिस्टर जो हैं वो जोगेंद्रनाथ मंडल हैं, मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के तौर पर। और मुस्लिम लीग ये करके ये बताने की कोशिश कर रही है कि जो अछूत मानते हैं हिंदू, वो हमारे साथ हैं और हम उनको अपना प्रतिनिधि के तौर पर भेजेंगे। एक तरह से जिस तरह से कांग्रेस ने अबुल कलाम आज़ाद को भेजा था उस कैबिनेट में, लगभग उसका वो बदला था कि उन्होंने एक दलित नेता को वहाँ पर उसमें भेजा था। तो पहली घटना तो ये हुई थी। दूसरी घटना 1946 में संविधान सभा के लिए सदस्य चुने जाने थे, और उसमें संविधान सभा में अंबेडकर को उस समय कांग्रेस ने ये इंश्योर किया कि वो जीत कर ना आए। तो जोगेंद्र नाथ मंडल ने, चूँकि वो शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नेता थे, तो उन्होंने बाबा साहब को ऑफर किया कि आप बंगाल से आइए और हम आपको चुनकर भेजेंगे। तो उसमें डॉक्टर अम्बेडकर जो हैं वो बंगाल से चुनकर आते हैं, और बाद में फिर संविधान दोनों देशों का अलग अलग बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। अब बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल दोनों ही संविधान सभा, अपने अपने देश की संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो ये उनके एक जो राजनीतिक जीवन है वो है। बाद में जब जिन्ना पाकिस्तान में गवर्नर जनरल बनते हैं, तो उसके लिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बैठक होती है, तो उसकी अध्यक्षता करने का जिम्मा भी जोगेंद्रनाथ मंडल को सौंपा जाता है। बाद में जोगेंद्रनाथ मंडल वहाँ पर पाकिस्तान के भी पहले लॉ मिनिस्टर बनते हैं। तो आज़ादी के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों में जो लॉ मिनिस्टर हैं वो दलित हैं। ये बहुत नोट करने लायक बात है, मेरे ख्याल से इसको दर्ज किया जाना चाहिए, क्योंकि ये इस तरह से हुआ था कि दोनों तरफ, सीमा के दोनों तरफ लॉ मिनिस्टर जो हैं वो दलित हैं। अब ये जो अब अगर आप कहें कि जोगेंद्रनाथ मंडल ने क्यों तय किया कि वो पाकिस्तान में रहेंगे, ये एक बड़ी पहेली है।
और इसकी वजह बहुत स्पष्ट थी, दो वजह हैं जोगेंद्रनाथ मंडल ये जिसकी वजह से उन्होंने ये फैसला किया। इसमें पहली उनकी जो वजह थी वो ये थी कि खास करके बांग्ला भाषी जो दलित हैं और बांग्ला भाषी जो मुसलमान हैं उसमें से ज़्यादातर लोग या तो कृषक हैं या मछुआरे हैं या जो काम करते हैं, लगभग एक जैसी उनकी आर्थिक हैसियत है, क्योंकि जो अनडिवाइडेड बंगाल था उसमें ज़मींदारियाँ जो थी वो ज़्यादातर हिंदुओं के पास थी। तो ये जोगेंद्रनाथ मंडल का आकलन था कि हिंदू और मुसलमान तो नहीं लेकिन दलित और मुसलमान जो हैं वो एक जैसी आर्थिक स्थिति में साथ मिलकर रहते हैं, एक जैसा उनका जीवन है, तो साथ साथ हम लोग ज़्यादा रह लेंगे। ये उनका पहला आकलन था और उनको लग रहा था कि जो स्थिति है और जिस तरह की राजनीतिक सौदेबाजियाँ सभी जातियाँ धर्म और सब कर रहे हैं उसमें बेहतर डील उनको मुस्लिम लीग के साथ मिलेगी। तो पहला उनका आकलन ये था। दूसरा उनका आकलन ये था कि दलितों को का जो उत्पीड़न है वो मुख्य रूप से जाति व्यवस्था की वजह से है और वो भारत को एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देख रहे थे जिसमें कि अपर कास्ट हिंदूज का वर्चस्व होगा और इसमें वो दलितों की अच्छी स्थिति की कल्पना नहीं कर रहे थे। तो ये दो असर्शंस थे, ये दो वजहें थी जिसकी वजह से जोगेंद्रनाथ मंडल ने फैसला किया कि उनको पाकिस्तान के साथ रह जाना चाहिए। और उनकी चूँकि वो नेता थे, बड़े नेता थे दलितों के, तो इस वजह से दलितों के बड़े हिस्से ने यह तय किया कि जब विभाजन हुआ तो कि वो सीमा पार करके भारत नहीं आएंगे, अपनी जन्मभूमि में ही वो रह जाएंगे। तो और जो माइग्रेशन हुआ मुख्य रूप से वो अपर कास्ट हिंदूज का हुआ बांग्ला जो पूर्वी पाकिस्तान से भारत की ओर। अब अगर इतिहास को अगर देखें तो ये जो दो आकलन थे जोगेंद्रनाथ मंडल के, एक कि हमारा मुसलमानों के साथ हमारी निभ जाएगी, इनके साथ हम रह लेंगे, और दूसरा भारत जो है वो हिंदू बहुल और अपर कास्ट कंट्रोल नेशन बनने जा रहा है जहाँ दलितों की बुरी स्थिति होगी। इतिहास ने ये साबित किया और उनकी उनका जो पहला आकलन था कि हम साथ रह लेंगे मुसलमानों के, ये सही साबित नहीं हुआ। आज़ादी के समय की जो कड़वाहट जो मची थी, दोनों धर्म के लोगों ने एक दूसरे को जिस तरह से मारकाट की थी, लगभग 10 लाख लोग शायद उसमें मरे, करोड़ों लोगों की आबादी इधर से उधर हुई, तो वो जो उसके जो धब्बे थे, वो जो उसकी छाया थी, वो जो सांप्रदायिक कटुता की, उसने ये इंश्योर कर दिया कि जो पाकिस्तान में रह गए दलित या हिंदू हैं उनकी अच्छी स्थिति नहीं होगी और उनके साथ अत्याचार होंगे। इन अत्याचारों को जोगेंद्रनाथ मंडल ने अपने इस्तीफे में, जो उन्होंने 8 अक्टूबर 1950 को लिखा है, इसमें उन्होंने लिस्ट किया है कि किस तरह के अत्याचार हो रहे हैं और उनको किस तरह से धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जा रहा है, उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, लॉ जो है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनके पक्ष में नहीं आ रही है, उनकी संपत्तियां छीनी जा रही हैं, इसका उन्होंने अपने इस्तीफे में बाकायदा लिस्ट किया है। इस इस्तीफे में उन्होंने ये भी लिस्ट किया है कि मुसलमानों के साथ भी पाकिस्तान अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा है, खास करके नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर जो है उसमें खान अब्दुल गफ्फार खान के अनुयायियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार है, इवन जो पूर्वी पाकिस्तान है उसके मुसलमानों के साथ पश्चिम पाकिस्तान के जो मुसलमान शासक हैं उनका बहुत ही बुरा व्यवहार है, उनके जो तमाम नेता हैं फजलुल हक या फिर सुहार वर्दी उनको लगभग डिटेंशन में डाल दिया गया है या किनारे कर दिया गया है। तो ये पाकिस्तान में जो स्थिति है इसका वो बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन उनके इस्तीफे में आपको मिलता है 8 अक्टूबर 1950 में। तो ये बात तो पहली उनकी जो धारणा थी ये गलत साबित हुई कि मुसलमानों के साथ दलितों का या लोअर कास्ट हिंदूज का गुजारा हो जाएगा पाकिस्तान में। लेकिन उनका जो दूसरा एसर्शन था, दूसरा जो आकलन था कि भारत में जो है वो दलितों का अच्छी स्थिति नहीं रहेगी, ये आकलन उनका काफ़ी हद तक सही साबित हुआ है। और मैं इसमें आपको वो आंकड़े नहीं दे रहा हूँ कि भारत में दलितों पर अत्याचार की कितनी घटनाएं होती हैं, यहाँ क्यों इतनी बुरी हालात हैं कि एससी एसटी के लिए अलग से, उत्पीड़न रोकने के लिए अलग से एक्ट बनाना पड़ता है, इसके अलावा आप देखिए तो किस तरह से वो शासन के तमाम अंगों में, जुडिशियरी में, मीडिया में, उसके अलावा ब्यूरोक्रेसी में, एकेडमिक्स में, तमाम क्षेत्रों में किस तरह से दलित ऊँचे पदों पर लगभग अनुपस्थित हैं, पूरे देश की अर्थव्यवस्था में उनका कितना छोटा हिस्सा है, सारे इंडिकेटर्स आप ह्यूमन डेवलपमेंट का देख लीजिए। जैसे ये आंकड़ा आया कि जो दलित महिलाएं हैं वो सवर्ण महिलाओं की तुलना में 14 साल पहले मर जाती हैं। तो दलितों की जो बुरी स्थिति है इसके बारे में जो उनका आकलन था वो सही साबित हुआ। और इसको साबित करते हुए बाबा साहब ने
अंबेडकर भी देखिए, एक तो निराशा हुई थी जोगेंद्रनाथ मंडल को पाकिस्तान से, और लगभग उसी तरह की निराशा बाबा साहब को आज़ाद भारत में होती है। वो लगभग 4 साल तक लॉ मिनिस्टर रहते हैं, 1946 के आसपास वो लॉ मिनिस्टर बनते हैं भारत के। उसने भारत हालांकि गुलाम था, लेकिन उसके बाद वो 27 सितंबर 1951 की तारीख है जब अंबेडकर नेहरू कैबिनेट से इस्तीफ़ा देते हैं। वो लॉ मिनिस्टर हैं और इस्तीफ़ा देते हैं, और इसके वो बहुत सारी वजहें बताते हैं कि हमें इस्तीफ़ा क्यों देना पड़ा, और इन वजहों में वो ये लिस्ट करते हैं कि किस तरह से शेड्यूल कास्ट के साथ आज़ाद भारत में किस तरह से न्याय नहीं हुआ, सारे उत्पीड़न की घटनाएं हो रही हैं। वो जिक्र करते हैं किस तरह से दिल्ली के आसपास के दलित उनके पास आते हैं और बताते हैं कि अपर कास्ट हिंदूज उन पर कैसे जुल्म ढा रहे हैं, और इसको वो रोक नहीं पाते हैं। वो इंश्योर नहीं कर पाते हैं कि नए शासन में भी जो शेड्यूल कास्ट हैं उनको नौकरियाँ मिलेंगी। वो ये सवाल पूछते हैं अलग अलग मंत्रालयों से, उन्होंने जवाब मिलता है कि नहीं, किसी की नियुक्ति नहीं हुई है। बाबा साहब अपने इस्तीफे में, जो इस्तीफे का पत्र है जो उन्होंने 10 अक्टूबर को लिखा है 1951 को, इसमें वो बताते हैं कि किस तरह से OBCs के लिए जो एक कमीशन बनना था आर्टिकल 340 के तहत, वो भारत सरकार नहीं बना रही है, जबकि वो अकेला सेफ गार्ड है भारत के लगभग आधी आबादी के लिए। इसके अलावा बताते हैं कि महिलाओं के लिए जो उन्होंने हिंदू कोड बिल मुख्य रूप से बनाया कि महिलाओं को पैतृक संपत्ति में अधिकार मिले, वो उनको भी अपने पति को छोड़ने का अधिकार मिले, तो उनके राइट्स और उनके मैरिज जो हैं अंतरजातीय शादियाँ भी वैध हों, ये सारे राइट्स को देते हुए जब उन्होंने हिंदू कोड बिल बनाया तो कांग्रेस के ज़्यादातर नेता बाबा साहब के खिलाफ खड़े हो गए, और नेहरू ने पहली बार ऐसा किया कि हर सदस्य जो है सांसद वो अपनी मर्जी से वोट डालेगा। मतलब इतनी इस तरह से वो हिंदू कोड बिल को जब नष्ट कर दिया गया तो बाबा साहब अपनी पीड़ा में और अपनी तकलीफ के साथ, बाकी और भी बहुत सारे इशूज़ वो उठाते हैं कि कश्मीर का इशू क्यों नहीं हल किया गया, और तमाम सारे इशूज़ हैं। बाबा साहब का इस्तीफ़ा अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो आप कहीं ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कई जगह मिल जाएगा, आप पढ़ सकते हैं। तो देखिए, दोनों नेता बाबा साहब अम्बेडकर और जोगेंद्रनाथ मंडल अपने अपने देशों में शासकों से और समाज व्यवस्था से पीड़ित हैं, निराश हैं, और उनकी आशाओं पर तुषारापात होता है, और इसके बाद दोनों इस्तीफा देते हैं। 1 साल के अंदर में 2 इस्तीफे हो जाते हैं, तो भारत की पूरी राजनीति और पाकिस्तान की पूरी राजनीति और इस तरह से साउथ एशिया की जो पूरी पॉलिटिक्स है उसमें आप ये 2 चमकते सितारे किस तरह से निराशा के साथ अपने जीवन के आखिरी वर्षों को बिताते हैं, ये कहानी भारत की है। तो जोगेंद्रनाथ मंडल को सिर्फ BJP जिस तरह से एक टुकड़े में देख रही है, दरअसल ये कहानी उतनी सी नहीं है। वो बहुत कुछ सच भी बोल रहे हैं, लेकिन बहुत सारा सच वो छिपा भी ले रहे हैं, और कुल मिलाकर जो नैरेटिव खड़ी करने की कोशिश कर रहे हैं वो कहाँ तक कामयाब होगी ये देखने वाली बात है। तो हम सबकी इस पर नज़र रहेगी, तो ये अनफोल्ड होती हुई चीज़ है, तो आज हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि इसको लोग किस तरह देखेंगे, लेकिन जोगेंद्रनाथ मंडल का BJP बहुत इस्तेमाल करने वाली है इतना तो तय है, और इसकी कुछ ठोस वजह हैं, हालांकि वो बहुत अधूरा सच वो कह रहे हैं। तो आप इस बारे में जो मेरा कॉलम है उसमें भी पढ़ सकते हैं, और भी बहुत कुछ उपलब्ध है इस समय उस पर, उनको लेकर किताबें भी लिखी गई है जोगेंद्रनाथ मंडल को लेकर। तो आप जिनकी भी दिलचस्पी है समकालीन इतिहास में, क्योंकि जोगेंद्रनाथ मंडल के बारे में हम इतना कम जानते हैं, बहुत ही शर्मनाक सी स्थिति है खास करके सोशल साइंस के स्कॉलर्स और पढ़े लिखे लोगों के लिए। तो उम्मीद है कि आप, मैं भी कोशिश करूँगा कि इस बारे में और पढ़ूँ और आपसे बात करूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे उम्मीद है कि आप द प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।